को नचाने वाले हैं? आप एक फिल्म कर रहा हूँ अपना, बेलू जी डायरेक्टर है। अच्छा, फिल्म का नाम है नाटकों के नाथ भोलेनाथ। और बस अभी है, अभी लॉकडाउन के बाद अभी शूटिंग तो अभी तो स्टार्ट होना है जी। सब अपने टेक्नीशियन सब लोग, संजीव जी घर पे बैठे, सब लोग का काम तो स्टार्ट होना चाहिए। अभी बस बेलू जी ने, हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं, तो अभी इन्होंने बुलाया गाने के लिए। तो बस अभी थोड़ा बहुत बारिश है, थोड़ा ब्रेक है, इसके बाद हम लोग गाने स्टार्ट करेंगे। लॉकडाउन में क्या कुछ किया आपने, बताएंगे? लॉकडाउन में काफ़ी लोग घर पे बैठे थे संजीव जी, काफ़ी लोग घर पे खाना वाना बनाया है, सब्जी नहीं नहीं सब सब सबके घर पे बनते हैं, आपके भी घर पे बनते हैं, मेरे भी घर पे बनते, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स है। मतलब भाभी घर में खुश थे? सब सब खुश, सब सब खुश थे। फिल्म में छोटू छलिया जो गायक है, बिहार के रहने वाले हैं, इस फिल्म के हीरो हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, छोटू छलिया जो वेरी टैलेंटेड सिंगर, बहुत अच्छे, मैंने उनके साथ काफ़ी पहले भी मैंने उनके साथ गाने किए, बहुत पहले गाने किए, और बहुत अच्छे हमारे भोजपुरी के सब आइकॉन सिंगर हैं लोग, बहुत अच्छे सिंगर। काफ़ी फिल्में किया है भोजपुरी में, अभी कोई सिंगर या हीरो बचा जिसने अभी तक काम नहीं किया आपने? नहीं, सभी के साथ काम किया, जैसे दो चार नाम सुपरस्टार का काम किया है, काम नहीं किया, काम जिस सब किए किया है। कौन जी है? खेसारी है, दिनेश भैया है, मनोज जी है, सब हमारे भोजपुरी के आइकॉन है, उनके ना अच्छा दिया मैंने। लगभग कितने दर्जन आपने सिनेमा अभी तक भोजपुरी में किया होगा? काफ़ी संजीव जी, आपको तो पता, आपके स्ट्रगल के हमें साथ में थे आपके, कम से कम 1500-2000 फिल्म गाने तो ज़्यादा हो गए, 1500-1200 के ऊपर मेरे फिल्म हो चुकी, मैंने अवार्ड भी काफ़ी ले चुके हैं, आपको तो सब पता है। अवार्ड तो हर साल लेते हैं। हाँ, चलिए, इस फिल्म के लिए भी आपको अवार्ड मिला। फिल्म में बेलू जी डायरेक्टर है, उनका क्या नेचर है, कैसा लगता है? नहीं नहीं सर, वेरी गुड टैलेंटेड, अभी उनके बिफोर यू का मैंने अभी भी किया था बेलू जी के साथ, बहुत अच्छे इंसान है, स्वभाव नेचर वेरी गुड, और अच्छा लगता है उनका, मेरे अच्छा एक टीमिंग भी है, तो मज़ा आता है उनके साथ काम करने। और इसके बाद क्या कुछ प्लानिंग है नई फिल्म की? अभी है मेरा नेक्स्ट शूट कर रहा हूँ दिनेश जी के साथ, कर रहा अभी और एक फिल्म कर रहा हूँ दिनेश जी के साथ कंटिन्यू, अभी दो फिल्म का भी आया है सामने से ऑफर किए हैं, अभी शेखर जी का भी खेसारी के साथ जाने वाले थे, वहाँ के जरा पता नहीं वहाँ लोकेशन का प्रॉब्लम आ गया, नैनीताल तो जरा रुका हुआ। खेसारी का भी एक दो गाना बहुत ज़्यादा हिट चला है, मशीन वाला और बंगलिनिया वाला, कैसा लगा आपको गाना? गुड गुड गुड। खेसारी जी के बारे में मैं बोलता हूँ, संजय जी इसको मैं केशव बोलता हूँ प्यार से, इज वेरी टैलेंटेड, उसको काम का लगन है, उसको पैशन है काम का, बहुत अच्छे मेहनती एक्टर है और बहुत अच्छा है। उनके साथ मैंने काफ़ी बलमा बिहार उनके बहुत ज़बर हिट किए थे, तो उनके साथ मैंने बागी मुकद्दर बहुत केसरी के साथ मैंने बहुत अच्छा, इस वेरी इस जो बंगलिनिया गाना का जो था बाकी हेगड़े साथ में थी, कुछ कहना चाहेंगे उसमें? कुछ माइनस है प्लस आपको? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, टेक्निकल इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छा टेकिंग हुआ उसमें और अच्छा लगा, मैं भी गाना देखा और खेसारी पर्सनली मुझे बोला मास्टर जी गाना देखो अच्छा, वेरी नाइस, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो, आपका जन्मदिन कल था। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया संजय जी। आप अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो बधाई दी है? देखिए, मैं एक तो सबसे पहले अपने दर्शकों से, अपने ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा कि हर साल की तरह इस साल भी आप सभी ने मेरे जन्मदिन को इतना खास बनाया कि मैं क्या कहूँ। 7 जुलाई, जी हाँ, 7/7, 7 तारीख 7वां महीना मेरा जन्मदिन होता है, इसको आप लोग बहुत ही खास बना देते हैं। कल भी बहुत सारे हज़ारों की संख्या में मैसेज, बहुत सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट आए, मैं थोड़ा सा, चूँकि मेरी प्लानिंग ऐसी थी नहीं, लेकिन संयोग ऐसा बन गया कि कल के डेट में ही हमारी शूटिंग डिसाइड हो गई, तो मैं बहुत ज़्यादा लोगों को मैं रिप्लाई नहीं दे पाया, जितना हो सका मैंने किया है, अगर मेरे से गलती से मैं रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ तो माफ़ करेंगे, क्योंकि बहुत संख्या में विशेष थी, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मुझे जन्मदिन की शुभकामना दी उन सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आप इसी तरह अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। आप हमेशा भोले बाबा का अवतार में रहते हैं और इस बार सिनेमा का नाम है नाथों का नाथ भोलेनाथ, क्या कुछ कहती है फिल्म? अनाथों के नाथ भोलेनाथ, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि फिल्म जो है भोलेनाथ की महिमा का बखान करेगी, तो सच बात है, जिस तरह मैं बाबा भोलेनाथ का भक्त हूँ और फिल्म भी उनके नाम से है, तो आप लोग, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि झारखंड में देवघर है और देवघर के बाबा बैद्यनाथ बहुत प्रसिद्ध हैं, हर साल सावन में वहाँ कांवर का जो एक सिलसिला चलता है एक महीने जो, तो ये एक बहुत ही आस्था है लोगों की बाबा बैद्यनाथ में, 11 ज्योतिर्लिंगों में मतलब उनका नाम है, तो बस उनकी थोड़ी सी महिमा
का बखान करने की कोशिश की है इस फिल्म में। बाकी फिल्म पारिवारिक है, बहुत अच्छा मैसेज है, सोशल है, इंटरटेनिंग है, लेकिन बाबा भोलेनाथ की महिमा का बखान इसमें बखूबी करने की कोशिश की। अगर हम कास्ट की बात करें तो कौन-कौन से कलाकार हैं मुख्य भूमिका में? आपको बता दूं कि बहुत दिनों के बाद इस बार इस फिल्म से कम बैक करने जा रहे हैं हमारे बहुत ही अजीज, बहुत ही खास प्यारे छोटे भाई, बहुत अच्छे सिंगर और बहुत अच्छे एक्टर हमारे लिए, क्योंकि हमने इनके साथ एक सुपरहिट फिल्म दी है गठबंधन प्यार के, और उसके बाद हम एक बार फिर से दोबारा इस फिल्म में छोटू छलिया जी को लेकर आए हैं, और उनके साथ बहुत ही उम्दा अभिनेत्री, चूँकि ये इनकी डेब्यू फिल्म है, नई फिल्म है, और चूँकि छोटू छलिया जी और काजल बेबी काजल जी की जोड़ी ऑडियो में बहुत हिट है, वीडियो में बहुत पसंद किया जाता है इनके जोड़ी को, तो वो जोड़ी को इसमें रिपीट किया है बेबी काजल ने, बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा विनोद मिश्रा, श्रद्धा नवल, सोनल त्रिवेदी, ओपी कश्यप जी, अरुण सिंह काका, बहुत सारे एक्टर हैं इसमें जिन्होंने अपने अभिनय को बहुत अच्छा किया है। काजल सिंह जी हैं, बहुत लंबे अंतराल के बाद गठबंधन प्यार की जो हीरोइन थी वो इसमें एक अहम किरदार में नजर आएंगी। ये सेकंड लॉकडाउन के पहले यानी दो लॉकडाउन के बीच में जो समय मिला था उसी में हमने इस फिल्म के शेड्यूल को कंप्लीट किया था। झारखंड में पतरातू में हमने इसकी शूटिंग की थी, क्योंकि दो दिन का काम बैलेंस था तो हमने पहले से ही डिसाइड किया था कि कुछ काम हमें बॉम्बे करना है, ये काम पहले ख़त्म हो जाता अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो जैसे अभी लॉकडाउन से थोड़ी सी माहौल थोड़ा ठीक हुआ है तो हमने ये दो दिन का काम आज हमारा आखिरी है और इसके बाद हमारे पिक्चर शूटिंग के मामले में कंप्लीट हो जाएगी। हालांकि बाकी जितने शूट हुए हैं उसका पोस्ट प्रोडक्शन आई फोकस स्टूडियो में हमारा चल रहा है। बैकग्राउंड देख रहा हूँ काफ़ी लड़कियाँ जी हाँ, एक गाँव खास गाना है, बहुत अच्छा खास गाना है, पनवा के पातर नियन पातर बाड़ू ए गोरिया दूजे धनी बाड़ू सुखवार, वो बड़ा ही स्पेशल रोमांटिक डुएट सॉन्ग है, तो उसमें ये जो कन्याएं हैं हमारे जो पीछे देख रहे हैं हमारी जो डांसर्स हैं वो हमारे हीरो हीरोइन को पीछे से सपोर्ट करेंगे और परफॉर्म करेंगी, तो ये डांसर्स उसी के लिए आप काफ़ी फिल्म में डायरेक्शन किया, अभी कौन कौन से रिलीज करें जो रेडी की चले? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मेरी जो सबसे हालिया रिलीज होने वाली फिल्म है वो है प्रीत का दामन 2, वो कल ही बी4 यू चैनल पे आने वाली है, तो आप लोगों से गुजारिश है जिस तरह आपने मेरी पहली फिल्म को सफल बनाया था इसे भी आप देखें और आशीर्वाद दें। इसके अलावा मेरी फिल्म राजमहल है, लव एक्सप्रेस है मेरी फिल्म, और इसके अलावा अनाथों के नाथ भोलेनाथ ये तो देख ही रहे हैं, ये दो तीन फिल्में जो हैं, सर्वशक्तिशाली महादेव एक फिल्म है, ये सब फिल्में जो हैं रेडी टू रिलीज के कागार पे हैं। जय माँ विंध्यवासिनी भी फिल्म है, वो भी आने वाली है, वो भी बहुत जल्द दर्शकों को देखने को मिलेगी। इंडस्ट्री इंडस्ट्री में लॉकडाउन में काफी लोग उथल पुथल चर्चा है अश्लीलता को लेकर के, पॉलिटिक्स को लेकर के, तो आप इसमें कितना विश्वास करते हैं? देखिए अश्लीलता तो लोगों के दिमाग में होती है, ये तो सच बात है, आप देखते हैं तो लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, आप सुनते हैं तो लोग सुनाने की कोशिश करते हैं, तो मैं किसी को दोष ज़्यादा नहीं देता हूँ, जैसे मैं ना कभी इस पर बोलता हूँ ज़्यादा, ना बोलने में ठीक समझता हूँ। आप मेरी फिल्में उठा कर देख लीजिए, मेरी फिल्में आज तक मैंने जितनी फिल्में एज ए डायरेक्टर की है वो साफ़ सुथरी, परिवार के देखने लायक, परिवार के साथ बैठ के देखने योग्य है, तो ये बोल के नहीं होता है, तो करना पड़ता है, हमें पसंद नहीं हम नहीं देखते हैं, हमें नहीं सुनना होता है गाना हम नहीं सुनते हैं, तो पहले अपने अंदर के चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है, बाकी तो सब ठीक है। राजनीति में मनोज जी बीजेपी में है, रवि जी बीजेपी में है, पवन जी बीजेपी में है, खेसारी जी भी हाल में समाजवादी पार्टी से मुखिया अखिलेश जी से मिलने गए थे, और उस पर लेकर काफ़ी दर्शकों में मारामारी चल रहा है, आप क्या कहेंगे, उनको जाना चाहिए समाजवादी में? देखिए इस विषय में मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, देखिए ये अपने अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी विचारधारा है, हर पार्टी के अपने विचार है, अपनी विचारधारा है, तो हर व्यक्ति को ये खुला अधिकार है कि वो किस विचारधारा के साथ जुड़ता है। अगर किसी को लेकर राजनीति में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चलता है, जैसे खेसारी लाल यादव यादव हैं और यादव से जाकर के पार्टी मिल रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमारे सिनेमा जगत में कोई ऐसे जाति का कोई संगठन है, और अगर किसी पार्टी विशेष में अगर है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश तो किसी एक जाति विशेष से चलती नहीं है, कोई भी समाज एक जाति विशेष चलती नहीं है, तो मैं इस विषय में ज़्यादा वो नहीं कहना चाहूँगा, और यही कहूँगा कि भाई सबकी अपनी अपनी मर्जी है, अपनी अपनी राय है, जो जहाँ कंफर्टेबल महसूस होता है, जिनको जिस विचारधारा जिसकी विचारधारा पसंद आती है
उनको अधिकार है कि वो उनके साथ। एक और न्यूज आ रही है कि रवि किशन के क्षेत्र यानी गोरखपुर से खिलाड़ी लड़े तो चुनाव लड़ सकते हैं। ये तो मैंने आज पहली बार आपके मुंह से सुना है। अगर अगर लड़ रहे हैं तो भाई ये तो किसी ना किसी को तो लड़ना ही है, तो अगर वो लड़ रहे हैं तो भाई लड़ना चाहिए। आपके तो दोनों प्रिय है, कुछ कहना चाहेंगे दोनों? हमारे लिए दोनों प्रिय हैं। और अब ये तो एक बड़ा एक अलग तरीके का माहौल हो जाएगा, लेकिन चलिए वो तो प्रतिद्वंदता तो रहती है भाई। हमारे यहाँ फिल्में भी बनती है तो एक हीरो के सामने दूसरे हीरो की फिल्म जब रिलीज होती है टकराती है, तो चुनावी मैदान में भी जब एक दूसरे के सामने टकराएंगे तो किसी ना किसी का तो मतलब वो रिजल्ट तो जनता जनार्दन के हाथ में है, मैं यही कहूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया हूँ दादा जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है, नहा धोवा के लग रहा है आपको? एकदम फाइनल नहा धोवा कहे हुए हैं और गाना जो करना है आज। अच्छा, मतलब इतने सब नहीं नहाते थे? नहीं नहाते थे नहीं, आपकी नज़र में आज पता चला कि आज नहाए हैं। नहीं वाकई में आप दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है, कोई भी देखेगा किसी खूबसूरत चीज़ की तारीफ करता ही है। कैसे गाना दिया आप बताइए? मैं बहुत अच्छी हूँ। और आप सब कैसे हैं? और जो भी हमको हम लोगों देख रहे हैं उन सब लोग अच्छे से रहिए, अपने घर पे रहिए और बाहर निकलिए तो, क्योंकि कोविड है तो बाहर निकलिए तो सेफ्टी से मास्क लगा के निकलिएगा। नहीं, मैं तो कहना ये चाहता हूँ कि आज सब लोग के ये संदेश आपके माध्यम से देना हम चाह रहे हैं कि अनाथों के नाथ भोलेनाथ की आज लास्ट शेड्यूल है। इधर शूटिंग भी चल रहा है, उधर डबिंग भी चल रहा है, बहुत फास्ट काम चल रहा है कि जितना जल्दी हो सके पिक्चर फ्लोर पे आ जाए। मुझे लगता है इसकी शूटिंग झारखंड में आप कहीं कर रहे थे? हाँ, काफ़ी शूटिंग झारखंड में और दो दिन की शूटिंग यहाँ मुंबई में। तो क्या कुछ संदेश देगी ये फिल्म? ये फिल्म तो सबसे बढ़िया ये बात है कि इसमें सारे मसाले दिए गए हैं, जिसमें धनिया भी है, पाउडर, धनिया पाउडर है ना? हाँ, धनिया, लाल मिर्ची। हाँ, लाल मिर्ची थोड़ा कम है, नमक ज़्यादा है? नमक ज़्यादा है नहीं, नमक भी ज़्यादा नहीं, एकदम बराबर है। पारिवारिक है, धार्मिक है,
और सबसे बड़ी बात है कोविड का भी इसे बात रखा गया है और थोड़ा राजनीतिक भी है, तो ये नहीं लगा पिक्चर देखने के बाद कि जबरदस्ती कहीं से कुछ इसमें ठूसा गया है, जबरदस्ती इसको एडजस्ट किया गया। पिक्चर देखने के बाद मुझे काफ़ी उम्मीद है इस पिक्चर से, लोगों को फंसाना है कि जितने हमारे भोजपुरी के दर्शक हैं। और ये पिक्चर में खासियत है कि आप पिक्चर अपने पूरे फैमिली के साथ बैठ कर देखिएगा तो आप आगे नहीं बढ़ा सकते एक भी सीन को, बैठ कर देखिएगा, इतनी बढ़िया पिक्चर है। हाँ 100% पूरी सच्चाई है और बहुत अच्छा मिक्सचर बना है फिल्म का और वाकई देखने में बहुत अच्छा लगा। फोटो जी के डर के कारण नहीं बोल रहे थे कुछ? नहीं नहीं, हम किसी से नहीं डरते हैं। भैया बच के रहिए, जमाना बड़ा खराब चलता है। नहीं तो जमाना खराब चलता तो आदमी नहीं खराब होके चाहिए, जमाना तो हमेशा चेंज होगा। बहुत दबंग हीरोइन भी है? नहीं कोई नहीं, बड़ी अच्छी है काजल जी। अच्छा। और काजल जी की पहली पिक्चर आप देखिएगा, बड़ी अच्छा काम किए हैं काजल जी, और शुभकामना करता हूँ कि मेरी पिक्चर हिट हो और काजल जी भी हिट हो, हम लोग सारे कलाकार लोग हिट हो। हमारे विष्णु शंकर बेलू जी जो पिक्चर बनाए हुए हैं वाकई उनमें टैलेंट है, काम करवाते हैं, बहुतों के साथ काम किया लेकिन विष्णु शंकर बेलू जी खास करके काम करवाते हैं तो ये अच्छी लगती हैं, इसलिए इस पिक्चर में बेलू जी काफ़ी हम उससे अच्छे काम करवाए हैं, हम लोग भी कोशिश की है करने के लिए। और आज जो गाना हो रहा है पनामा के पाता, वो बहुत बढ़िया गाना है, अभी जो शूट हो रहा है आप लोग देखेंगे आए हैं। अच्छा ये कब तक फिल्म आप दर्शक देख सकते हैं? बस अब तो आपको बताया ना कि शूटिंग इधर चल रहा है, हम लोग कल डबिंग कर रहे थे, फिर कल डबिंग करेंगे, लगभग फाइनल है डबिंग, दो चार दिन का और डबिंग बचा हुआ है, इसके बाद जो भी बचा है और जितना जल्दी हो सके लोगों के बीच में ये पिक्चर। और कौन कौन से कलाकार इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं? बहुत लोग जुड़े हुए हैं, कल तो शिवशंकर भोलेनाथ का रोल करके गए, क्या नाम था उनका, विष्णु, हाँ वो पार्वती जी का रोल करके गई, जय सिंह है और बहुत सारे कलाकार इंडस्ट्री के हैं इसमें। हाँ विनोद मिश्रा जी मेरे पिताजी का रोल किए हैं। तो ये कमबैक के लिए आपकी फिल्म थी? हाँ जो मानिए कमबैक के लिए है। इसके बाद क्या इंडस्ट्री की और फिल्में आप करेंगे? हाँ एकदम फाइनली दूसरी पिक्चर की मुहूर्त भी होने वाली है बहुत जल्द। अच्छा काजल जी क्या आप भी दूसरी फिल्में करेंगे सिर्फ एक करके? पता नहीं है, अभी जैसा कुछ अच्छा मिलेगा तो मैं करूँगी, अभी कुछ सोचा नहीं। काजल जी आप बताइए, फर्स्ट टाइम वर्क करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और जैसे छोटू जी ने कहा कि बहुत सपोर्टिव है और सेट पे तो लगता ही नहीं था कि कोई बहुत बड़े डायरेक्टर से मेरी बात हो रही है, नॉर्मल लगता है घर से किसी से बात हो रही है, और बहुत अच्छे से काम उन्होंने करवाया, थोड़ा डांटा भी और समझाया भी और सब अच्छे से करवा लिया। छोटू जी अब बिहार के आरा जिला के रहने वाले हैं और एक कहावत है आरा जी कोना बात के डर नहीं है ना? नहीं नहीं देखिए डर और लज्जा तो मनुष्य की आदमी को होना चाहिए। अच्छा। ये दो ऐसी चीज़ है ना जो आपको आगे ले जाएगी, डर और लज्जा खत्म हो जाएगी ना आपके अंदर से तो बहुत कुछ आप ना नहीं कर पाइएगा। तो डर किस चीज़ का डर? मैं गलत नहीं करूं, मैं किसी के साथ गलत नहीं करूं, इसका डर होना चाहिए। छोटू जी अगर आप सिंगर भी हैं तो इस फिल्म में क्या कुछ खास गाने हैं? हाँ गाने तो मैं तो बताया आपको ना, पिक्चर आप बैठ के देखिएगा तो जैसे लोग अभी मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि जैसे आगे बढ़ा देते हैं ये ठीक नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपके माध्यम से कि ये पिक्चर अगर लगेगी तो थ्रू आउट पूरे फैमिली के साथ माता पिता बहन बेटा बेटी सब लोग देखेंगे तो ये लोग नहीं कहेंगे हाँ ये पिक्चर है बढ़िया है, चाहे गाने हो या यसीन हो। काजल जी आप कहाँ के रहने वाली हो, ये फिल्म कैसे मिली आपको? मैं आरा की रहने वाली हूँ। अच्छा आप भी आरा से? हाँ प्रॉपर आरा से रहने वाली हूँ। तो इन लोगों ने छोटू जी ने और विष्णु शंकर बेलू सर ने वो लोग कुछ कॉन्सेप्ट पे बात चल रही थी गाने के बारे में, और फिर मैंने उनसे मिला गाने के वक्त तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है लड़की और अच्छा करेगी एक्ट करेगी, तो फिर छोटू जी ने बोला कि सजेस्ट किया कि क्यों नहीं किसी और के साथ हम लोग कर रहे हैं तो इसके साथ भी किया जाए, तो ऐसे करके और फिर वो लोगों ने बोला कि नहीं अच्छा करती है, एल्बम पहले मैं करती थी सॉन्ग वगैरह, तो वो देख के उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है तो ओके हो गया। हम कुछ जानकारी मिली, आप गाना दिखाती हैं? हाँ आई सिंगर, पहले तो गाना ही गाती थी, इनका बहुत सारा गाना है। उसी समय उन्होंने देखा विष्णु शंकर बेलू सर ने तो उन्होंने बोला मतलब कि नया ट्रेंड आने वाला, हीरो लोग जो सिंगर लोग हीरो बनना था, हीरोइन जो है सिंगर में हीरोइन नहीं, यहाँ ट्रेंड ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी ने नहीं किया है, बहुत लोग ऐसे हीरोइने हैं जो हीरोइन बन के सिंगर पे आई हैं और कुछ सिंगर बन के हीरोइन बनी हैं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया कर रही हूँ, बस हाँ क्योंकि अगर सिंगर मेल सिंगर जब हीरो बन सकते हैं तो मेल सिंगर फीमेल सिंगर क्यों नहीं हीरोइन बन सकती? अच्छा हाँ अच्छी बात है ये।
छोटू जी, और बताइए कैसा रहा आपको मुंबई में दो दिन का शूट? हाँ भाई, दो दिन का शूट तो कल शूट चला, मैं उतना हम लोग थे नहीं शूट पे, डबिंग था तो डबिंग में थे हम लोग, और आज का शूट हम लोग का है तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन बारिश थोड़ी सी परेशान कर रही है, लेकिन फिर भी काम तो करना है। मुंबई काफ़ी टाइम के बाद आने के बाद कैसा लगा लॉकडाउन? नहीं, काफ़ी टाइम के बाद नहीं आया, लॉकडाउन के बाद आया हूँ। हाँ, लॉकडाउन मुंबई रह के क्या कीजिएगा, सारा बंद ही था तो गांव हम लोग चले गए थे। ये सिनेमा के जो म्यूजिक है वो कौन बनाया? आर आर पंकज जी दिए हैं, बड़ी अच्छे राइटर भी हैं और म्यूजिक डायरेक्टर का इस पिक्चर में वो म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, और अर्जुन अकेला जी गाने लिखे हैं, और शंभु शरण जी ने, आर आर पंकज जी ने, सब लोग मिलके एक टीम मिलके बहुत गाने की अच्छी तैयारी की है। अभी जो वक्त चल रहा है देवघर के बाबा भोलेनाथ की माया नगरी में काफी लोग जाने वाले हैं कांवर लेकर के, और मुझे लगता है कोई ना कोई गाना अभी आपका रेडी हो चुका होगा। हाँ 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 हाँ, बस 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 बस। अरे जे हमारा भोला जी के नजरी लगाई है, जे हमारा भोला जी के नजरी लगाई है, उनका पे गौरा रानी खिसी आई है, उनका पे गौरा रानी खिसी आई है। जवाब दीजिए मैडम, आपकी। मैं क्या बोलूँ इस पे, मैं कुछ नहीं बोल सकती। आप सही जवाब दीजिए। हाँ नहीं, मैं पार्वती माँ नहीं हूँ, और मैं क्यों मैं सेवा फूल की, और बस। आपकी भी कोई बाबा से रिलेटेड कोई गाने हैं? बाबा से रिलेटेड बहुत सारे गाने हैं, और पर मैं सुनाऊंगी बहुत पारंपरिक गाना, मुझे अभी वो याद आ रहा है। काले के शिव के मनाए बहु शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाए बहु शिव मानत नाही, मानत नाही शिव मानत नाही, कैसे में भंगिया ले आई बहु शिव मानत नाही। हर हर महादेव। और भोलेनाथ तो हम लोग जाते जाते आप लोग से फील कर रहे हैं कि जब ये पिक्चर है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के साथ देखिए, और हम लोग फिर जल्दी परिवार के साथ ही देखिए, बस इसका परिवार नहीं हो, नहीं परिवार का मतलब परिवार होगा, माँ बाप तो होंगे ही ना, बहन होंगी, भाई होगा, नहीं सब लोग देखे, अच्छी पिक्चर है। मेरे कहने का मतलब इसके परिवार में हीरो के साथ पिक्चर देखेंगे। हाँ हाँ, देखिए एकदम। हाँ जी, ओके। पूरे दुनिया परेशान है कोविड की वजह से, तो ये परेशानी सब लोग परेशान है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, हर किसी को अलग अलग परेशानियाँ हैं, और सबसे बड़ी परेशानी आर्थिक परेशानी है सबको, लेकिन फिर भी जितना लोग सुरक्षित रहेगा, केयरफुली रहेगा, उतना सही रहेगा, और समस्याएं आती रहती हैं वो एक दिन ठीक होगा। सिनेमा को क्या कुछ चल रहा है अभी? सिनेमा का शूटिंग तो सब जगह चल ही रहा है, और जिस स्पीड से पहले चला करता था उस स्पीड से कोई भी काम नहीं चल रहा है, तो सिनेमा का भी वही स्थिति है। फिल्में तो काफ़ी लॉकडाउन में, लास्ट लॉकडाउन में बनी थी, इस बार भी अभी रफ्तार थोड़ी सी अभी स्टार्ट हुई है, मुझे लगता है काफ़ी बड़ा रफ्तार होने वाला है। हाँ, क्या इंडस्ट्री के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर, इंडस्ट्री के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कोविड के वजह से ब्रेक लगा था, तो पिछली बार फिर रफ्तार पकड़ा, फिर ब्रेक लगा, और इस बार भी शायद कुछ अलग टाइप का कोविड का ये डेल्टा प्लस, उसके चलते भी मन में लोगों के वहम है, डर है, लेकिन स्पीड बढ़ने वाला है, और बढ़ेगा तो दो साल का जो ब्रेकअप हुआ है, जो ब्रेक लगा है, और सब लोगों को काम करने की बेचैनी है, घर में बैठे हुए हैं, तो स्पीड बढ़ने वाला है और ज़बरदस्त बढ़ने वाला है, और भोजपुरी का तो बिजनेस, चाहे भोजपुरी के दर्शक इतने हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, अब जल्द ही इंतजार की घड़ी समाप्त होगी और एक से बढ़कर एक फिल्में उनको मिलने वाली हैं। आप इस फिल्म में क्या कर रहे हैं? नाथनाथ, मैं इस फिल्म में छोटू जी का बड़ा भाई का रोल कर रहा हूँ, जो कि एक ऐसा व्यक्ति है, दो भाई हैं, और जो घर में गार्जियन के बीच में जो द्वेष होता है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, आजकल के समाज में वो लोग अपने आप को डेवलप करना चाहता है, और बाप है कि मैं जो हमारी पैतृक संपत्ति है उसको बेचूं नहीं, ऐसे मैं डेवलप करूं, लेकिन इन लोग का है कि इस संपत्ति को बेच दो जो गांव घर का है, और शहर में जाके बस जाओ, और वो लोग ये करते हैं बाप को धोखा दे करके, बिजनेस मैंने अपना बिजनेस बनाने के लिए अपनी पुरानी मैंने पैतृक प्रॉपर्टी को बेच देते हैं और शहर में जाके बस जाते हैं, कुछ प्रॉपर्टी बनाने के चक्कर में उनके साथ धोखा होता है, एक बिल्डर उनके साथ धोखा करता है, फिर वो रोड पर आ जाते हैं, बाद में भीख मांगते हुए बाप को मिलते हैं, और वहाँ उनको गिल्ट महसूस होती है, रोते धोते हैं, और बाप उनको अपने गले मिलाता है। इससे सबसे बड़ी चीज़ की ये शिक्षा मिलता है ना कि जो हमारी पैतृक संपत्ति है, आपको हक नहीं है उसे बेचने का,
आप उसको अगर बढ़ा नहीं सकते हैं तो कम से कम सुरक्षित रखो, और उसको बेचने से आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। आप काम करो, मेहनत करो, उससे आपका डेवलपमेंट हो सकता है। इस कहानी में है फिल्म में छोटू सलिया जी के साथ काम करके कैसा? बहुत ही बढ़िया। छोटू जी के साथ तो मैंने बहुत पुराना मित्र है छोटू जी हमारे, और बहुत ही हम्बल इंसान है। किसी के साथ घुल मिल जाना, किसी के साथ एडजस्ट होना छोटू जी को आता है, और उनके साथ काम करके बहुत ही मजा आता है। फिल्म में बेबी काजल है, फर्स्ट टाइम। हाँ, बेबी काजल। बेबी काजल के गाने मैंने बहुत पहले से सुना था, और इसमें उनका एक्ट मैंने देखा है। बहुत ही बेहतरीन एक्टर है वो। मैंने किसी भी सीन को एकदम आसान तरीके से, नहीं लगता है कि वो पहली बार स्क्रीन फेस कर रही है या एक्ट कर रही है। किसी बात को समझना, डायरेक्टर से उनका कोऑर्डिनेशन, कोरियोग्राफर से उनका कोऑर्डिनेशन, मेकअप मैन से कोऑर्डिनेशन, सबसे बढ़िया कोऑर्डिनेशन है। और सब बात को वो समझती हैं, और समझकर ना वो फॉलो करती हैं। फिल्म में डायरेक्टर विष्णु शंकर बेलू जी है, काफ़ी अपना शूटिंग किया झारखंड में, मुंबई में बेलू जी का जो शूटिंग हम लोग का शायद मार्च में हुआ, और हम लोग का था प्लानिंग पहले कि 10-15 दिन के बाद मुंबई में शुरू करेंगे, लेकिन ये बीच का गैप हो गया कोविड के वजह से। तो बीच में मौका मिला कुछ तैयारियां करने के लिए, और स्क्रिप्ट को उन्होंने बहुत और कसा। इसके बीच में पोस्ट प्रोडक्शन भी शुरू हो गया हमारा, क्योंकि पोस्ट का काम चल रहा था। तो डब ये हिंदुस्तान के लोगों के बीच में है कि एक शक्ति तो है, ईश्वरीय शक्ति, जिसको हम लोग को फॉलो करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और इस फिल्म में यही कहानी है कि आप कभी भी हताश और परेशान होते हैं तो कृपया ईश्वर को याद करें, और ईश्वर कभी आपको बुरा नहीं होने देगा। और ये कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। वही इस फिल्म में है कि सच्चाई की जीत होती है। बहुत सारे ट्रैक्स हैं, तो काफ़ी इंटरटेनिंग मूवी है। और मैं दर्शकों से यही चाहूँगा कि आप अपने माता पिता का, अपने बड़ों का सम्मान करें, और छोटों को स्नेह दें, इससे ही आपकी तरक्की संभव है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.